दोस्तों नमस्कार कक्षा बारहवीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे तो देख सकते हैं दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और देखिए पहला प्रश्न ये है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे ठीक है तो तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे उनका आपको नाम बताना है तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे दोस्तों नरहरिदास ठीक है नरहरिदास तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे अगला प्रश्न देखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था जो तुलसीदास जी है उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था क्या नाम था याद रखना रत्नावली रत्नावली किसकी पत्नी का नाम था तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तुलसीदास की माता का नाम क्या था तो आपको इसमें बताना है कि तुलसीदास जी की जो माता है उनका नाम था तुलसीबाई ठीक है माता का नाम तुलसीबाई और पिता का नाम आत्माराम दुबे अगली जो क्वेश्चन है वो देखते हैं तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बारहवीं की परीक्षा के लिए तो पंद्रह में ठीक है पंद्रह में और सोलह में इनकी मृत्यु हुई थी ये भी आपको मैं बता देता हूँ ठीक है ये जन्म और ये मृत्यु इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था प्रदेश का अगर पूछा जाए कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था यूपी में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी तो इसमें आपको बताना है दस वर्षों तक रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी काशी में और इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए रामचरित मानस किसकी रचना है ठीक है तो आपको बताना है तुलसीदास जी की रचना है रामचरित मानस ठीक है रामचरित मानस किसकी रचना है तुलसीदास जी की रचना है और ये महाकाव्य भी है ये भी ध्यान रख लेना और तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं तो राम राममार्ग शाखा के कवि हैं राममार्गी शाखा का कवि इसलिए क्योंकि इन्होंने भगवान राम को आराध्य देव माना था अपने इष्ट देव माना था तो राममार्गी शाखा के हैं राम जी का बखान इन्होंने किया था तुलसीदास जी ने इसके बाद में दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है तो आप याद रखना भिखारी के रूप में दिया है भिखारी कहा है स्वयं को क्या कहा है भिखारी कहा है दूसरे पद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है तो इसमें आपको बताना है भक्ति की किसकी भूख है तो याद रखना भक्ति की भूख है तुलसीदास जी को अगला प्रश्न देखिए तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है तो याद रखना अवधि भाषा में है अवधि ठीक है ये अवधि इस प्रकार से लिखा था ये ध्यान रख लेना अवधि भाषा में है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है सीता जी की स्तुति की है तुलसीदास ने प्रथम पद में इसके बाद में तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है कौन सा रस आया है तो भक्ति रस आया है तुलसीदास के पदों में ठीक चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है तो सीता के दास के रूप में दिया है किसके दास के रूप में सीता के दास के रूप में दिया है तुलसीदास जी ने अपना परिचय दूसरे पद में मतलब प्रथम पद में है ना और कबटुक अंब अवसर पाई में अंब संबोधन किसके लिए है तो सीता माता के लिए अंब संबोधन है किसके लिए माता सीता के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट से और वो अगला वीडियो आने वाला है उसमें ध्यान रख लेना ठीक है अब देखो कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है इनमें से कोई कौन, कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी सूरदास जी तुलसीदास जी के मित्र नहीं है इसके बाद में कौन सी रचना तुलसीदास की है तो इसमें आप याद रखना विनय पत्रिका विनय पत्रिका किसकी रचना है तुलसीदास जी की रामचरित मानस किसकी है तो रामचरित मानस भी किसकी है तुलसीदास जी की है कवितावली दोहावली गीतावली जानकी मंगल पार्वती मंगल बरवे रामायण ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं इसके बाद में कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर आखिरी कल ये इनकी नहीं है पार्वती मंगल वैराग्य चांदीपनी और कवितावली ये तुलसीदास जी की रचना है इसके बाद में कवितावली के रचनाकार कौन है तो आपको सीधा सा उत्तर बता देना है तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार है ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला देखिए हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है तो कवितावली का एक अंग माना जाता है हनुमान बाहूक कवितावली आपको ध्यान रख लेना है कवितावली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रामचित मानस का प्रधान रस कौन सा है तो याद रखेंगे भक्ति रस है रामचरित मानस का जो प्रधान रस होता रस है वो कौन सा है तो भक्ति रस है और भक्ति रस का स्थायी भाव भी भक्ति ही होता है रामचरित मानस के रचनाकार कौन है तो तुलसीदास जी है निम्नलिखित में से रामचरित मानस क्या है तो आप बताएंगे महाकाव्य है महाकाव्य में जीवन संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है उसको महाकाव्य कहते हैं और जो खंडकाव्य होता है ना खंडकाव्य में एक प्रकार से जीवन के किसी एक पहलू का चित्रण होता है अगला देखिए इसी में आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है ये प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है तो याद रखना राधा स्तुति ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है ठीक है बाकी सारी रचनाएं तुलसीदास जी की कवितावली भी तुलसीदास जी की बरवे रामायण भी है और गीतावली भी है राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा इसके बाद में मानस रामचित मानस का रचना समय क्या है तो आपको याद रखना है समवत सोलह सौ इकतीस संवत सोलह ये रामचरित मानस का रचना समय है और रामचरित मानस की भाषा कौन सी है तो आपको याद रखना है कि रामचरित मानस की है अवधि ठीक राम है रामचरित मानस की भाषा अवधि है नेक्स्ट क्वेश्चन विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है तो आपको बताना है ब्रजभाषाएँ अंतर्वेदी ब्रज भाषा है वो भी आप ध्यान रख लेना ठीक है भाषा विनय पत्रिका की भाषा है इसके बाद में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मैं पहले ही बता दूं ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था ठीक है पंद्रह ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और सोलह ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी इसके बाद में तुलसीदास जी का मूल नाम किया था तो इनका मूल नाम राम बोला था ठीक है तुलसीदास जी का मूल नाम अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है कि तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था और तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे तो तुलसीदास के शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है कौन सी नहीं है ठीक है तो अच्छा कौन सी है ये पूछा है नहीं नहीं पूछा है कौन सी है ये पूछा है नहीं तो इसमें याद रखना विनय पत्रिका इनकी रचना है बाकी लगन पत्रिका नहीं है प्रण पत्रिका नहीं है सीता स्वयंवर नहीं है ये तीनों नहीं है और कौन सी है विनय पत्रिका इनकी रचना है ठीक है दोस्तों कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है तो आप इसमें बताएंगे रामचरित मानस तुलसी द्वारा रचित है इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाए तो कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है तो इसमें आप बताएंगे पंचवटी ठीक है पंचवटी ये तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पास्टिव पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए है तो विनय के पद के लिए हैं अगला देखिए है, तुलसीदास किस काल के कवि थे तो आपको बता देना है कि भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई थी इस कारण ठीक है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है और हिंदी साहित्य को चार भागों में मुख्य रूप से किसने बांटा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है ठीक है हिंदी साहित्य का एक वर्षों का काल निर्धारण किया है और सबसे पहले काल निर्धारण करने का श्रेय किसे मतलब जाता है हिंदी साहित्य के लेखन का लेखन का श्रेय किसे जाता है तो गारसा तासी को जाता है वो फ्रेंच विद्वान था कविता वाली के रचनाकार कौन है तो आप इसमें बताएंगे। कविता कवितावाली के जो रचनाकार है वो है तुलसीदास जी ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में धन्यवाद